हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अभी अभी जो है बजट 2019 आ चुका है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो बजट दे चुके हैं। तो आज मैं इस बजट में जो है मोबाइल डेटा और इसके साथ में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है स्मार्टफोन की, उनके बारे में जो रिपोर्ट्स है वो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरा नाम है विनय चरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विनचरी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये जो बजट ये बोला था यानी कि पीयूष गोयल जो है उन्होंने ये बजट रखा था और इसके साथ में उन्होंने सारी जो डिटेल्स है वो पार्लियामेंट में जो है बता दी थी। तो सारी डेटा की रिपोर्ट्स ये आ रही है कि इंडिया एक ही कंट्री ऐसी है पूरे वर्ल्ड में जो डेटा की कॉस्ट और जो वॉइस कॉल की कॉस्ट है वो सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया जो है मोबाइल डेटा के कंजम्पशन में 50 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे कंट्रीज़। तो ऐसे में बहुत सारी डेटा जो है इंडिया में यूज़ की जाती है दिन रात, पता नहीं कब जो है लोग यूज़ करते हैं और क्या क्या जो है बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं। तो इसी वजह से 50 टाइम जो है वो हम लोग आगे है डेटा कंजम्पशन में। और इसके साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो 2016 ईयर था उसमें लेके अब तक यानी कि 2019 तक जो डेटा कंज्यूम हुई थी वहाँ में यानी कि 2016 में बहुत ही कम थी, पर अभी जो है 2019-18 में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यानी कि ये पहले जो है एक महीने की सिर्फ 1 GB आती थी, पर अभी एक दिन में जो है 1 GB से भी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इंडिया जो है इंटरनेट के ज़रिए में बहुत ही आगे जा रहा है। और हाँ, पहले जो है 200 रुपये में सिर्फ 1 GB आती थी पूरे महीने की, और अभी जो है 400 रुपये में आप 84 डेज का पूरा पैक ले सकते हैं और वो टोटल आपको GB मिलती है 84 GB या फिर ज़्यादा कम, तो GB जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है आपको एज़ कम्पेयर टू पहले। और इसके साथ में 2017 का जो रिपोर्ट था तो नोकिया ने ये बोल दिया है कि जो कंजम्पशन है डेटा यूजेस का वो 11 GB पर मंथ था 2017 में। तो अभी आप सोच सकते हैं कि 2018 में जो है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। मुझे लगता है 30-40 ज़्यादा से भी ज़्यादा 1% यूज़ करता है पर मंथ डेटा। और इसके साथ में अगस्त 2018 में जो जियो कंपनी है उन्होंने ये रिवील किया कि उनके जो कंपनी के फीचर्स स्मार्टफोन थे यानी कि जियो फोन, तो इसमें उसमें जो है कंजम्पशन 7 GB जो है डेटा कंजम्पशन था एवरेज एक मंथ का। और इसके साथ में जो बाकी सारे सब्सक्राइबर्स थे वो 10 GB से भी ज़्यादा जो है वो यूज़ करते थे महीने के। और इसके साथ रिसेंटली जो CISCO स्टडी आ रही थी तो उसमें जो है बोल दिया कि दिसंबर 2000 में उन्होंने क्लेम किया वहाँ से लेके 2022 तक इंडिया में जो है 829 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ में 60% यानी कि ये जो टोटल 829 मिलियन ग्रोथ है वो 60% तक जो है पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कवर कर देगी, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा है। और 40% सिर्फ वर्ल्ड में, तो पूरे 60% इंडिया में, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा यूजर्स स्मार्टफोन के होंगे 2022 तक। और इसके साथ में इंडिया में जो है टोटल अभी 268 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो चुकी है जहाँ पर सब कई सारे स्मार्टफोन जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं और पूरे इंडिया में लोगों को मिलते हैं। तो ये भी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से जॉब्स जो है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती जा रही है पूरी इंडिया में। तो ये भी एक अच्छी खबर है सारे जो लोगों को जिसको जॉब नहीं मिल रही थी। और मुझे लगता है 2022 तक जो है बहुत सारी कंपनीज बनने वाली है इंडिया में और कई सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलने वाली है। और इसके साथ में उन्होंने ये भी बोला यानी कि जो पीयूष गोयल है जिन्होंने बजट रखा था इंडिया का पूरा, तो उन्होंने ये भी बोला कि हम जो है वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे और वो एक इंडिया को क्लीन सोर्स एनर्जी प्रोडक्शन का बनाना चाहते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये बोला कि वी वॉन्ट टू लीड द वर्ल्ड इन यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वो जो है रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज में इंडिया को आगे बढ़ा देना चाहती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और बस इस वीडियो में इतना ही, होप वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें आपके मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। सी यू गाइज़।